अगर हमारी सारी बहनें कहती हैं तो हम ये काम करेंगे, अन्यथा हम ये काम नहीं करेंगे। अब उन्होंने ये कहा है, जब मैंने ये कहा कि भाई ठीक है आप इसको कम से कम 10,000 रुपये कर दो, तो कह रहे हैं कि हमें 1,500 रुपये मिलते। वो कह रहे हैं अगर कोई भी एक आशा के मुझे कह दे कि मुझे 1,500 रुपये मिलते हैं ठीक है तो भाई मैं मान जाऊँगा। तो हमें भी पता है हालांकि 1,500 नहीं, पर जो आप हमें इंसेंटिव दे रहे हो उस पर इतनी शर्तें लगी हुई हैं कि हम सब उसको पूरा नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। तो हमने उनसे एक बात कही है, अगर आप इसको 3 गुना करना चाहते हो तो हमारा एक छोटा सा काम करो। तो ये शर्तें इस पर लगा रखी है, इसको बिल्कुल हटा दो। इन शर्तों को बिल्कुल हटा दो तो हमें जितना आप कह रहे हो हमें बिल्कुल मंजूर है, हम काम करने के लिए तैयार हैं ठीक है। अब उन्होंने कहा ठीक है आप लिस्ट बना के दे दो, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, जो कागज लग रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, मैं हर एक समस्या को रिटर्न में देने के लिए तैयार हूँ, आपको कोई परेशान नहीं करूँगा ठीक है। वो बोली लिख करके दे दो। अब हम मैं ये आज लिख करके लाई हूँ, अगर इसमें हो सकता है मेरे से कोई बात छूट गई हो तो कोई जिस बहन को समझ में आ रहा हाथ खड़े करके बताना, मुझे बीच में नहीं बोलो ठीक है। हमारे को कोर एक्टिविटी मिलती है 1,500 रुपये, अगर वो कहता है कि भाई इसको डबल कर देता हूँ बहुत उसकी मेहरबानी होगी, अगर करने का नहीं करता 1,500 रुपये मिल गए ठीक है मान गए हम इसका। मगर जहाँ वो कहता है एनसी फर्स्ट लेके आओ, तो हमने कहा है अगर एनसी फर्स्ट के आप 50 रुपये हमें दे दें तो अगर 4 मरीज आते हैं तो उसमें से एक मरीज हमारा फर्स्ट फ्लैट ठीक है, तो उस 50 रुपये से हमारा क्या ठीक है। अगर कहते हो आप 100 रुपये आपको कोर्ट विजिट के देते हैं तो जब वो फर्स्ट आएगी तभी तो कोर्ट आएंगे ना, ना वो फर्स्ट आएगी ना हमारे पास कोर्ट आएंगे, हटा दो इन चीज़ों को ठीक है। अगर कोई सेकंड में भी आती है तो उसका भी हमें मान दे दें, क्योंकि मेहनत तो हम ही कर रहे हैं ना, कोई और तो नहीं कर रहा ना ठीक है। उसके बाद डिलीवरी का आता है, अगर डिलीवरी हमारी 4 होती है, 4 में से एक तो गांव चली गई, एक ने घर पे कर लिया किसी कारणवश, एक ने घर पे कर लिया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई हमारी 2 में से एक ने हमें कागज़ दे दिया, दूसरी कह रही है मेरे हस्बैंड दे, इसका निवारण कर दो। अगर वो हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो उसका तुरंत हमारे अकाउंट में भेज दो, क्योंकि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड आपके पास ऑटोमेटिकली आया हुआ है, हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो कोई गलत बात है ठीक है जी। उसके बाद जिस भी गर्भवती को हम JSY बेनिफिट दिलवा रहे हैं 200 रुपये का, जो हम सबमिट करवा रहे हैं, उसका आप कहते हो कि हम आशा को 200 रुपये देते हैं। अगर हमने उसका पेपर 200 रुपये दिलवा जमा करवा दिया और उसके पैसे उसके अकाउंट में आ गए तो हमारे से रिटर्न में क्यों मांग रहे हो, जब उसके पैसे आ गए तो हमारे भी भेज दो खाते में। भाई उसके आ गए तो डायरेक्ट हमारे भी खाते में भेज दो, आपको दिक्कत क्या है ठीक है। तो हम कुछ नहीं लिखवा के देंगे। उसके बाद अकंपनी जो हम मरीज के साथ जाते हैं वो कहता है उसका हम आपको 150 रुपया देंगे, यही बात है ना। अगर वो हमें उसका 150 रुपया देंगे तो 150 रुपये से ज़्यादा तो हम उसके साथ आए और गए, उसका हमारा किराया लगा है, तो आपने हमें क्या दिया, इसका भी समाधान हमें बता दो। रात में भी कहीं जाए कहीं जाए, रात में भी उसका भी समाधान बता दो। उसके बाद जो हम टेस्ट करवा रहे हैं HIV का, उसका मात्र 20 रुपया है, इससे ज़्यादा 40 रुपये हम किराया लगा के आने जाने में उसको दे देते हैं, आपने हमें क्या दिया ठीक है। रिपोर्ट भी लाए हमने ठीक है, हर एक चीज़ का अगर तुम्हारे हमारे पास समस्या और तुम्हारे पास समाधान है तो इसका समाधान किया जाए। उसके बाद वो कहता है कि हम PNC HDFC के आपको पैसे दे रहे हैं 250 रुपये, अगर आप हमें 250 रुपये दे रहे हो तो इसमें आप ये कह रहे हो कि फोर्थ विजिट वो पेशेंट होनी चाहिए, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो आई हुई होनी चाहिए, प्लस उसकी जन्म पत्री होनी चाहिए, ये चीज़ हटा दो। अगर वो घर में भी डिलीवरी हुई तो उसको हम देखने के लिए तो जा ही रहे हैं, सारे यहाँ काम कर रहे हैं, उसके भी पैसे हमें दो, हमें दो उसके पैसे। उसके बाद ये कहते हैं कट का, अगर कट आप उसको लगवा रहे हैं, वो पेशेंट को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसको तुरंत देखोगे,
ना कि आजकल आजकल, क्योंकि आज एक को अगर आपने आजकल कर दिया तो कल पांच पेशेंट भागे, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ऐसे ही चेकअप में है, आज आओ कल आओ परसों आओ, दो मरीज दोबारा नहीं आएगा, हमारा बेनिफिट तो गया। इसके बाद PPICD का है, चार मरीज में से एक को लगती है उसमें हमें का बेनिफिट है। या तो सरकार ऐसे करे, जो सरकारी में हो रहा है तो उसको साथ के साथ बिना कहे बताई तो हमारा बेनिफिट है, नहीं हमारा कोई बेनिफिट। लाइजेशन का है, मुझे नहीं लगता हर एक बहन का हर महीने होता है, कभी दो चार छः महीने में एक केस आता है, ठीक है, उसका आपने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, वो हमारे किसी काम का ही नहीं। काम का मीजल्स का बच्चा है, अगर गांव में टीका लगवा के आया है, कार्ड उसके पास नहीं है, आशा ने पूरी मेहनत की उसको टीका लगवाया, मगर आशा को उसका बेनिफिट नहीं मिला, उसको कहा गया इसका कार्ड लेके आओ, इसका MCTS नंबर लेके आओ, आशा क्या कहीं से मर के लेके आए, अगर ऐसा रूल आपके पास है तो इसको तुरंत ही डबल करके या ट्रिपल करके ये रूल हटा दो, तीन बार लगवा दीजिए और फिर चले जाती है, फिर कुछ नहीं। अगर उसको मिजल्स नहीं लगा तो बूस्टर के पैसे पे जाके बात अटकेगी, वो भी गया, ठीक है। तो ये बताओ, जब आपने इतनी शर्तें लगा रखी है तो हमारा पैसा कहाँ से आया? या तो आप तुरंत इन शर्तों को हटा दो, हमें 1500 का डबल मत दो, शर्तों को हटा करके इसको तीन गुना कर दो, हम सब बहने एग्री हैं इस चीज़ के लिए। अगर कोई भाजी किसी भी काम में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, काम बात करके मैंने यही बात कही, आप काम लेके आओ, काम करने से पीछे कोई भी आशा नहीं हटेगी, काम कितना भी लेके आओ हर एक आशा तैयार है काम करेगी, मगर शर्त नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो चार मीटिंग हमने अटेंड कर ली, अगर एक में कोई अर्जेंटली काम आ जाता है तो वो उसी कार्ड 150 काट देते हैं। बिल्कुल, यही चीज़ तो हमने कही है ना, सर्वे का है, हर महीने हम सर्वे करके दे रहे हैं, हर महीने हम 400 करोड़ का सर्वे 60 करोड़ का हम हर महीने करके दे रहे हैं ना, अगर कोई नई फैमिली आ रही उसका अभी हम दे रहे हैं तो पुराने परिवार तो वही है ना, हमारे रिकॉर्ड में है, तो हमें बार बार सर्वे के लिए क्यों बाधित करते हैं? तो हमारा कहना यही है भाई, अगर आपने, हम ये नहीं कह रहे कि आपने आंगनबाड़ी के क्यों बढ़ाए, क्योंकि मेहनत वो भी करी है, मगर हमारा कहना ये है उनको जब वो 5 घंटे रह करके सिर्फ 2 घंटे काम करती है और उसका किसी के पास कोई प्रूफ नहीं कि वो 2 घंटे बैठी है, वो आई और रोक करके चली गई, मगर आशा का हर एक चीज का प्रूफ है, वो काम करके आई है, अगर वो एरिया में गई है तो ज्यादा नहीं तो सर्वे करके आई होगी, कुछ और नहीं तो किसी गर्भवती को हॉस्पिटल में लेके गई होगी, अगर वो घर से निकली है मतलब कोई ना कोई काम करके आई है, 5 घंटे तो हो ही जाते उसका प्रूफ है, और आशा 24 घंटे काम करती है फिर भी सरकार सोई हुई है, तो हम ऐसी सरकार से घृणा करते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि सबका भी सबका साथ और सबका विकास, और एक तरफ किसी नारियों को शोषित किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, हम ऐसी सरकार को धिक्कारते हैं। सरकार अभी और भी बहुत प्रोग्राम लेकर के आ रही है, अभी तो मिशन इंद्रधनुष था दिल्ली सरकार का था, अब ये भारत सरकार का भी आ रहा है, अगर आशा इस काम को करके नहीं देगी ना तो एक बार आंगनबाड़ी से जाकर के एरिया में ये पूछ लिया जाए कि सिर्फ मोहल्ले पड़ोस में ही कितने बच्चे ये पूछ लो कि हुए कब आप विचार है, बता आंगनबाड़ी पे वो गर्व करके बैठे हैं ना, एक बार उससे पूछ लिया जाए इस एरिया में कितनी गर्भवती महिलाएं सही बात है।
नहीं चाहिए।